दोस्त की मोटरसाइकिल पर कब्जाने के मकसद से दो सगे भाइयों ने उतारा मौत के घाट। बरेली के थाना सुभाष नगर से 30 सितंबर को गुमशुदा हुए एक युवक लक्की वाजपेयी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के संबंध में दो सगे भाई गगन मेहता और दीपक मेहता को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि गगन मेहता ने लक्की मेहता की हत्या इसलिए कर दी कि वह लकी की मोटरसाइकिल पर कब्जा करना चाहते थे। वहीं एसएसपी शैलेश पांडे के अनुसार युवक की हत्या बियर में नशे की गोली खिलाकर की गई थी। 30 सितंबर को थाना सुभाष नगर क्षेत्र में श्री वाजपेयी द्वारा एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका पुत्र लक्की वाजपेयी जो है वो गायब है। प्राप्त जानकारी के बाद तत्काल गुमशुदगी पंजीकृत की गई, फिर उसको अभियोग में पंजीकृत किया गया और इसकी इस पूरे मामले का अनावरण करने का प्रयास किया गया। तमाम एंगल्स पे इसमें काम हुआ। जो लड़के की बाइक थी वो जल्दी बरामद हो गई, परंतु लड़के के बारे में पता नहीं चल रहा था। बाद में वादी के रिक्वेस्ट पे विवेचना क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र की गई। एसपी क्राइम के कुशल नेतृत्व में इस घटना का अनावरण हुआ और यह तथ्य सामने आया कि उसी का एक मित्र गगन मेहता, उसने उस मोटरसाइकिल के लालच में ही इस घटना को कारित किया। उसने घर पे लक्की वाजपेयी को बुलाया और वहाँ पे बियर में नशे की गोली मिलाई और उसके बाद चुन्नी से उसका गला घोंटा। बाद में एक दिन तक डेड बॉडी को अपने ही घर में एक बक्से में रखा। उसके बाद अगले दिन अपने भाई के साथ मिलके इस बॉडी को डिस्पोज करने के लिए थाना इज्जत नगर क्षेत्र में सड़क के किनारे बॉडी को फेंक दिया था। इस घटना का सफल अनावरण टीम द्वारा किया गया है और जो मुख्य अभियुक्त है, साथ ही साथ जो अभियुक्त उसके साथ साक्ष्य को मिटाने में रहा उसका भाई, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, इनकी क्या दोस्ती कैसे हुई थी, कैसे दूसरे संपर्क में आए थे ये सब? बहुत जल्दी की दोस्ती थी इनकी। फेसबुक के थ्रू एक दूसरे से संपर्क में आए थे और जैसा मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों अक्यूज्ड जेल जा रहे हैं, ये दोनों पॉलिटेक्निक के छात्र हैं। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।